हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पक्का पक्की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको भारत की टॉप एलीट स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी स्पेशल फोर्स जिनसे पाकिस्तान भी घबराता है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। नंबर 10, स्वैट कमांडो। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स है। इनकी ट्रेनिंग NSC कमांडो की तरह सख्त होती है। स्वात कमांडो के सभी जवानों की उम्र 28 वर्ष से कम होती है। ये दिन रात पानी और हवा में घात लगाकर हमला कर सकते हैं। इस कमांडो फोर्स का मुख्य कार्य दिल्ली और NCR को सुरक्षित रखना है। नंबर 9, CISF। दोस्तों CISF का गठन 10 मार्च 1959 में हुआ था। CISF कमांडो खासतौर पर BIP एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय इलाकों में तैनात किया जाता है। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनकी ही निगरानी में रहते हैं। इनका स्पेशल अपना फायर विंग है। 26/11 मुंबई हमले के बाद से प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी इनको ही तैनात किया जाने लगा है। नंबर 8, फोर्स वन कमांडो। दोस्तों मुंबई आतंकी हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसका गठन 2010 में किया था। ये कमांडो बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। ये केवल 15 मिनट में दुश्मनों का सफाया करने में सक्षम होते हैं। ये कमांडो किसी भी आपदा या हमले का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इनको ट्रेनिंग NSC कमांडो द्वारा दी जाती है। नंबर 7, घातक कमांडो फोर्स। घातक कमांडो फोर्स का गठन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था तब किया गया था। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत घातक होते हैं। इनकी ट्रेनिंग पैरा कमांडो की तरह की जाती है। जब दुश्मन के साथ आमने सामने की जंग होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। 20 आतंकियों पर केवल एक घातक कमांडो भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने पैरा कमांडो के साथ मिलकर काम किया। नंबर 6, SPG कमांडो। दोस्तों SPG का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। SPG को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। SPG का गठन 1985 में हुआ था। इस कमांडो फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना होता है। कई बार आपने भी प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में हाथों में हथियार लेकर दिखाई दिए होंगे। इनके पास बहुत से हाईटेक हथियार होते हैं और इनकी यूनिफॉर्म में भी कई हथियार छुपे होते हैं। ये प्रधानमंत्री और उनके परिवार दोनों की सुरक्षा करते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। नंबर 5, गरुण कमांडो। दोस्तों गरुण कमांडो फोर्स का गठन 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए किया गया। गरुण कमांडो रात, हवा और पानी में लड़ाई करने में सक्षम होते हैं। इनकी टोपी का रंग काला होता है। दूसरे कमांडो की तुलना में इनकी ट्रेनिंग का समय अधिक होता है। इनकी ट्रेनिंग 18 महीने की होती है। इनका मुख्य कार्य एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू, क्लोज प्रोटेक्शन और एयरफील्ड की सुरक्षा करना होता है। अगर एयरफोर्स में किसी बेस पर आतंकी हमला होता है तो ये तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। नंबर 4, कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। कोबरा कमांडो का पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्ट एक्शन है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा कमांडो घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये ज्यादातर गुप्त काम करते हैं। इन्हें दुनिया की बेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स में गिना जाता है। कोबरा कमांडो जंगल के वातावरण में सर्वाइव करने के लिए जाने जाते हैं और कोबरा कमांडो से ट्रेनिंग लेने के लिए कई देशों के सैनिक आते हैं। नंबर 3, NSG कमांडो। दोस्तों NSG कमांडो की ट्रेनिंग काफी ज्यादा कठिन होती है। इनको प्रतिदिन अभ्यास करना होता है। ये कमांडो पुलिस, पैरामिलिट्री और तीनों सेनाओं के लिए होते हैं। ये कमांडो VIP सुरक्षा और हाईजैकिंग कर्फ्यू में माहिर होते हैं। इन कमांडोज को ही ब्लैक कैट या ब्लैक कमांडो भी कहा जाता है। ये आतंकियों से लड़ने में बहुत सक्षम होते हैं। नंबर 2, पैरा कमांडो। दोस्तों पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच किया गया था। यह भारत की सबसे ज्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो है। पैरा कमांडो की पहचान मरून टोपी होती है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो ने पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया था। इनको पैराशूट कमांडो भी कहा जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक को पैरा कमांडो ने ही अंजाम दिया था। नंबर 1, मार्कोस कमांडो।
कमांडो। दोस्तों मार्कोज कमांडो का नाम सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में गिना जाता है। दुनिया के बेस्ट कमांडो फोर्स में भारत के मार्कोज कमांडोज का नाम आता है। मार्कोज कमांडो इंडियन नेवी के कमांडो होते हैं। इनको राइफल स्नाइपर से लेकर सभी हथियारों को चलाने की कला में निपुण होते हैं। ये बहुत तरह की असॉल्ट राइफल चलाने में भी माहिर होते हैं। इन्हें भारतीय नेवी सील्स भी कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग अमेरिका नेवी सील्स की तरह होती है।